डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस 2020 के बारे में। आज 10th मई पर हम हैं और हमारे साथ इस समय क्या फैक्ट्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए 2020 में। बच्चों में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है और बहुत सारे क्लैरिफिकेशन अभी बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है वो रिपब्लिक चैनल से है और टाइम्स ऑफ इंडिया से। इन दोनों के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो इस वीडियो के एंड में हम आपको जरूर शेयर कर देंगे, आप उसको भी एक बार देख लेंगे। फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी पिछले 3 साल से एंट्रेंस एग्जाम करा रहा था। उससे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरिट के बेसिस पर, लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में मेरिट के बेस पर एडमिशन होता था मोस्टली कोर्सेज में, लेकिन अभी बात करें यूजी लेवल पे 3 साल से एंट्रेंस हो रहा था। लेकिन इस बार जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन COVID-19 की वजह से सारी चीजें जो है डिस्टर्ब हो गई। इनफैक्ट कुछ एग्जाम्स या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में रह पाई, एग्जाम्स नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है वो 8 मई 2020 को पब्लिश हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसमें यूपी गवर्नमेंट का एकेडमिक कैलेंडर 2020-2021 पब्लिश हुआ है, आने वाले ईयर का एकेडमिक कैलेंडर 2021 का एकेडमिक कैलेंडर गवर्नमेंट ने पब्लिश करा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिस मोनिका गर्ग ने इसको अपनी तरफ से आगे मीडिया में रिलीज करा है। उसमें इन्होंने बताया गया है कि ऑल दी कॉलेजेस दे आर सपोज टू फिनिश देयर एडमिशन प्रोसेस बाय 14th ऑफ अगस्त। जो भी नए एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस सारे कॉलेज को 14 अगस्त से पहले कंप्लीट कर लेनी है एक बार, और जो फ्रेश एडमिशन होंगे इट मीन जो फर्स्ट ईयर में बच्चे जा रहे होंगे 12th पास आउट किसी भी कोर्स में, वो उनकी क्लासेस 17 अगस्त से शुरू हो जाएंगी फ्रेश एडमिशन के लिए, और जो ऑलरेडी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनकी क्लासेस 6 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। गॉट इट? ऐसा कहा गया है यूपी गवर्नमेंट के एकेडमिक कैलेंडर में कि जो भी कॉलेजेस हैं उनको अपनी एडमिशन प्रोसेस को 14 अगस्त तक वाइंड अप करना है और क्लासेस को 17 अगस्त से शुरू करना है फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और अगर बात करें जो पहले से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट है, जो मतलब फर्स्ट ईयर पास आउट होंगे और जो सेकंड ईयर पास आउट होंगे जो थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, उन सबके लिए क्लासेस शुरू होंगी 6 जुलाई से। इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो अभी नए बच्चे हैं जो 12th में अभी अपीयर हुए हैं जिनका रिजल्ट भी अवेटेड है, उनको क्या करना है, तो उनके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उनकी आप साइट में जाएंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट है LKOUNIV, लखनऊ यूनिवर्सिटी AC.in पे जाएंगे, आप गूगल कर लेंगे। और यहां पर ध्यान रखना है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको NAD ID भी बनानी है यहां पर नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी एक आईडी बनानी आपके आधार से आसानी से बन जाएगी। NAD आईडी आप क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पर आप एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाइएगा, एग्जाम वाला पोर्टल हाईलाइट होगा उस पर जाइएगा, एग्जामिनेशन वाली टैब पे जाने के बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा होगा उस पर क्लिक करिएगा, फिर आपको अंदर उसमें कोर्सेस मिलते चले जाएंगे। अभी लेट डेट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 20th मई तक आप यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिट एंट्रेंस का क्या क्राइटेरिया इस बारे में भी मीडिया रिलीज कोई भी नहीं आई है, जैसे ही मीडिया रिलीज कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट आएगा डेफिनेटली हम चैनल पे आपको तुरंत उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल जिन बच्चों ने अभी अप्लाई नहीं करा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनके लिए ऑप्शन है, और आप ध्यान रखेंगे अपने सारे ऑप्शन आप ओपन रखें, ज्यादातर कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करें क्योंकि मोस्टली कोर्सेज में फॉर्म्स अलग से भरने, जैसे बीबीए है तो उसके लिए फॉर्म अलग है तो वो भी आप अलग से फॉर्म भर दें, फिर आप बीकॉम ऑनर्स या मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अपने ऑप्शंस आप बना के रखें क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं और नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होते हैं, तो आप ये इंश्योर कर लेंगे। ये हम बात कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस की। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करते हैं या उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग है, तो वो आप न्यूज़पेपर डेली जो भी आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है वो देखते रहे। अगर न्यूज़पेपर आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो ई न्यूज़पेपर आप ले लें, और किसी भी न्यूज़पेपर को आप दैनिक जागरण देख सकते हैं, हिंदुस्तान देख सकते हैं, अमर उजाला, एनबीटी, किसी भी न्यूज़पेपर को आप देख लें उसमें एडमिशन के बारे में जरूर लिखा होगा। जैसे आज और कल वाले, आज मीन्स 10th में और 9th में भी 2-3 कॉलेजेस के बारे में एडमिशन प्रोसेस उनकी स्टार्ट होने जा रही है, उसके बारे में उन्होंने ऑनलाइन ऑप्शंस दे दिए उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर लेंगे, NAD आईडी क्रिएट कर लेंगे, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर लेंगे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4-6 दिनों में, मतलब विद इन अ वीक आपको एंट्रेंस की डेट, एंट्रेंस होगा या नहीं होगा पहले इस पे क्या डिसीजन होता है, और अभी तक आप यही मान के चलिए क्योंकि आप घर पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो अब ये मान के चलिए कि एंट्रेंस होगा, अब ये मान के चलिए ताकि आप घर पे खाली ना बैठे, अपने टाइम को आप यूटिलाइज करते रहे। और एंट्रेंस में यूजुअली क्या क्या आता है वो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर एंट्रेंस होगा तो डेफिनेटली वो चीजें आपको मिलेंगी, और उम्मीदें ऐसी हैं कि अगर एंट्रेंस होता है तो मे भी हो सकता है ऑनलाइन एंट्रेंस करा दिया जाए, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ऑफिशियल डिसाइड करेंगे कि एंट्रेंस होना है या मेरिट पे एडमिशन होना है, एंट्रेंस होना है तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, वो सारी चीजें, क्योंकि ये बीकॉम एंट्रेंस के अलावा देखा जाए तो जो बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम होता है, शायद यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम होता है बीएड का एग्जाम, वो भी पोस्टपोन हो गया है। हायर एजुकेशन जब आप टीचिंग लाइन में आते हैं आपको प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम करना होता है वो भी पोस्टपोन हो गया है, उन सबकी डेट्स भी अभी नहीं आई है कि पोस्टपोनमेंट के बाद कब होगा, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द एग्जिट गाइडलाइन रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन डोंट सेट
आइडल एट योर होम। आपको खाली नहीं बैठना है, आपको बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए के एंट्रेंस के लिए, बीकॉम के एंट्रेंस के लिए स्पेशली आपको क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। अकाउंट्स 11, 12 का और इसके जितने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके पास 11, 12 के जो भी बुक्स हैं, डीके गोयल रही है आपके पास या एस टी शर्मा की बुक रही है या आपके पास एस एम शुक्ला रही है या वीके अग्रवाल रही है, कोई भी बुक आपके पास रही है तो उस, या विजय प्रकाश सिंह की बुक रही है, वीपी सिंह, तो जो भी आपके पास ऑथर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉर्ट आंसर उन सबको आप तैयार कर लें। इकोनॉमिक्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जितने 11, 12 लेवल के वो सारे तैयार कर लें। कॉमर्स बीएसटी देख लें, इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आप अपनी ऐप पे चले जाएं, जो हम लोग की ऐप है डॉक्टर विशाल सक्सेना वीएससीसी, डॉक्टर विशाल सक्सेना वीएससीसी प्ले स्टोर, इस पे सब कुछ फ्री है। जितने इस पे जो भी एंट्रेंस आए आपके भाई बहन हो, बीएड एंट्रेंस हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस हो, जीके के क्वेश्चन हो, इंग्लिश के क्वेश्चन, एब्सोल्युटली दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस पर आप जाके ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जीके आप देख लेंगे, इंग्लिश देख लेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जनरल क्वेश्चंस और कंप्यूटर्स हो गए, तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा बहुत ब्रशअप करते रहें जरूर से, ताकि आप टाइम का यूटिलाइजेशन करते रहें। न्यूज़पेपर को जरूर देखते रहें, आई होप कि विद इन अ वीक एंट्रेंस के ऊपर भी कोई ना कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। आप में से अगर किसी ने अगर एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं करी है तो इस तरीके से आप एडमिशन प्रोसेस को अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर कोई एक ही फॉर्म भरा है तो दो तीन चार कोर्सेज में आप जरूर से आप अप्लाई कर दीजिए। और आईटी कॉलेज की भी एडमिशन की नोटिफिकेशन की गाइडलाइन कल आ गई थी तो आप उसको भी जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा डीयू के एंट्रेंस की क्या प्रोसेस है, डीयू के एडमिशन की क्या प्रोसेस है, क्योंकि डीयू तो मेरिट के बेस पर अभी तक लेता है तो वो जल्दी हम आपको अपडेट करेंगे। बीएचयू के ऊपर वीडियो आई होप कि कल परसों में आपको दे देंगे। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के ऊपर दो वीडियो हम पहले पोस्ट कर चुके हैं, उनको आप देख लेंगे। जिन बच्चों का नहीं हुआ है, 10th में आज लास्ट डेट है, उनके पास भी थर्ड सेशन के लिए अपेयर होने की भी डेट है, और कैसे कैसे आपको प्रिकॉशन लेना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे फीस जमा होती है, कैसे वहां पर आपको अकोमोडेशन मिलता है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में शेयर करी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है तो इस चैनल से आप जुड़े रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको आगे एकेडमिक से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, स्टॉक मार्केट, इन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें। आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।